और मैं यहाँ बात करूँ अगर खाली पेट बादाम खाने के फ़ायदे, तो बादाम में मैगनीज, फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फैटी एसिड मौजूद रहता है, जिसके कारण यह हमारी बॉडी में सभी ज़रूरतों को, मिनरल्स को पूरा करता है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर हम किसी भी चीज़ को भिगा के खा रहे हैं तो हमेशा पहले उसके छिलके को उतार लें और उसके बाद खाएं। अगर बात की जाए बादाम की, तो बादाम के छिलकों में टैनिन होता है, जो कि हमारे बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करने में रोकता है, यानी कि हमारी बॉडी से जो विषाक्त पदार्थ निकलते हैं उन्हें वह रोकता है, जिसके कारण ये हमें भरपूर तरह से फ़ायदा नहीं दे पाता। यानी कि अगर हम कभी भी किसी चीज़ों को सेवन करें तो हमेशा उसके छिलकों को उतार के करें। खास करके अगर हम बादाम की बात करें तो बादाम के छिलकों में टैनिन होता है, तो हमेशा इसके छिलकों को उतार के इस्तेमाल करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करें बादाम की, तो मैं लाल बादाम की बात करना चाहूँगा। अगर आप लाल बादाम की यूज़ करते हैं, यानी कि रात को भिगोते हैं और सुबह खाते हैं, तो इसके भी छिलकों को उतार कर खाएं, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा, जो आपके जो हार्ट होते हैं उसे यह मजबूत करता है, आपके हार्ट के जो नस होते हैं या ब्लॉकेज होते हैं उन्हें वहाँ दूर करने में फ़ायदा करता है, और नस से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसे यह काफ़ी तेज करता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन सही से हो पाता है हमारे हार्ट की, और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इससे हार्ट अटैक आने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तो लाल बादाम का सेवन भी आप खाली पेट कर सकते हैं, बट याद रखें हमेशा छिलकों को उतार, ताकि इसका हम भरपूर फ़ायदा ले सकें, ना कि नुकसान।